हेलो जी, गुड मॉर्निंग चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का आज है डे 203। जगह का नाम है दिलवाड़ा। इस जगह पर मैं हूँ, आप पीछे देख रहे हैं, थोड़ा और रुको, पीछे देख रहे हैं, थोड़ा और रुको, और ये देख रहे हैं। तो इस जगह को बोलते हैं मीनारा वाली मस्जिद। पर मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि ये जो दो मीनार आपने अभी अभी देखे हैं ना, ये कहा जाता है कि ये दोनों मीनार झूलते हैं। झूलते का मतलब समझ रहे हैं आप, सीसो पे बैठेंगे तो क्या होगा, एक पे उठा दूसरा ऊपर नीचे, यूँ सीसो ऐसे हिलता है। एग्जैक्टली ये दोनों मीनार भी बिल्कुल वैसे ही झूलते हैं, मान सकते हैं, ऐसा कभी सुना है आपने? मैं भी आने के पहले यकीन नहीं कर रहा था, अभी तक यकीन नहीं कर रहा हूँ। आंखों से जब तक देखना लो तो कैसे मान सकते हैं कि किसी बिल्डिंग का दो मीनार आपस में झूल सकते हैं। तो यही चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहना। एक बार अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम है मोहसिन एच शाहमदार, मैं केयरटेकर दिलवाड़ा झूलता मीनारा का हूँ। मोहसिन भाई, क्या ये बात सच है कि ये मीनार झूलती है? जी जी सही है, एक तो मीनारा हिल ही रहा है ऊपर जाके, लेकिन जो सामने वाला जो मीनारा है उसमें कोई जाता है तो ये मैं यहाँ से हिलाता हूँ तो सामने वाला जो मीनारा है वो ऑटोमेटिकली हिलता है। ये एक अजायबी से कम नहीं है अपने इंडिया के लिए। कितनी पुरानी है ये जगह? ये 731 साल पुरानी है, सन 1291 में बनी हुई है, 1291 में। 731 साल पुरानी मीनार हिल सकती है, आपको लगता है उस वक्त इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रही होगी? तभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है। उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है, सीमेंट और रेती कुछ भी नहीं है, सिर्फ चूने का जो पत्थर आता है उसका ही बांधकाम पूरा हुआ है। ये मीनार पूरा जर्जरित हो गया था, ये मस्जिद भी पूरी जर्जरित हो गई थी। यहाँ का जो मुस्लिम पंत ट्रस्ट है उन्होंने आर्कियोलॉजी विभाग से अप्लाई की, उन्होंने 14 साल के बाद परमिशन दिया कि आप इसको रिनोवेशन कर सकते हो। हमारे जो प्रेसिडेंट है हाजी हुसैन भाई सोलंकी, उन्होंने सब गांव-गांव इकट्ठा पैसा किया, डोनेशन इकट्ठा करके पूरा 1 करोड़ रुपये का खर्चे मीनार और ये मस्जिद का रिनोवेशन कंप्लीट किया हुआ है 2015 में। तो उसके पहले भी मीनार झूलते थे? उसके पहले ही मीनार वैसे ही झूलते थे और आज भी वैसे ही झूल रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या वजह है, क्यों झूलते हैं वो, क्या कुछ टेक्नोलॉजी यूज हुई है, कुछ पता चला? वो अभी तक कुछ पता चला नहीं है क्योंकि ये एक अजायबी ही है। लेकिन कहां कहां से मैंने सुना है कि 100 या 150 साल पहले ईरान से एक टीम आई हुई थी, उन्होंने यहाँ पे सब खुद काम करके भी देखा। अच्छा। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। नीचे एक दरगाह है सुलेमान शाह पीर की, उनकी करामत हम मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे कोई बड़ा लोहे का कुछ सिस्टम बना दिया हो? कुछ नहीं है। जब मस्जिद जो 2015 में हमको रिनोवेशन करने के लिए परमिशन दी गई तो ये जो मस्जिद का जो छत है वो पूरा जर्जरित हो गया था, मस्जिद के पूरी छत को गिरा दी गई थी ये नया बनाने के लिए। दोनों मीनारे सब अकेले ही खड़े थे, लेकिन जब 1.5 साल के बाद में जब रिनोवेशन कंप्लीट हुआ तो जब ओपनिंग का डेट आया तो हमारे जो संत है दादा बापू सावरकुंडला वाले, जो गुजरात के संत है, उन्होंने ऊपर जाके सिर्फ हाथ लगाया तो वैसे ही मीनारा हिल रहा है। कमाल है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है जी, आप भी देख सकते हो। साइंस के पास तो जवाब नहीं है, कोई साइंस जहाँ पे जो घुटने टेक देता है वहाँ से इसकी ये बुनियाद शुरू होती है। ये तो करामात ही लग रही है। और मैं तो ये बात आपके आपके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, इंडिया वालों को और इंडिया वालों के बाहर वालों को भी, कि यहाँ पे आए और यहाँ पे देखें कि क्या अजायबी है। हम कुछ कुछ देखने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं लेकिन हमको ये नज़ारा देखने नहीं लगता। और ये मीनार जो है वो फ्री में दिखाए जाते हैं, सभी लोगों के लिए ओपन किया हुआ है। उसका टाइम है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। एक बार देखें जरा, फिर तभी मानने का कुछ बनेगा। जी जी, पब्लिक को भी आप दिखाएं कैसे हिलता है कैसे नहीं। तो बातें ही लग रही है मेरे को, आप दिखाओ एक बार। जी जी चलो जाते हैं जी। चलिए फिर। तो ये सीढ़ियां हैं जो जा रही हैं ऊपर मीनारा पे, चलते जाइए बस। ओके, तो ये पहली मंजिल आ गई क्या? तीसरी है। तीसरी पे पहुंच गए? पे तो मस्जिद थी इतनी ऊंचाई उसकी। अच्छा, दो पहर में तीसरे पे आ गए और ऊपर जाना है? हाँ, ऊपर जाना है। चलिए ऊपर चलते हैं। ये चौथी आ गई है। वाह, तो हम पहुंच गए हैं एकदम मीनार के टॉप पे। सामने देखिए वो है दूसरी मीनार सामने, और ये छत देखो कहीं मस्जिद की बिल्डिंग है, वो सामने मीनार है और इस मीनार पे हम लोग खड़े हैं। अब दिखाइए करामात मोहसिन भाई कैसे काम करती है। ये मीनार में 4 पिलर है,
यहाँ से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, कहीं से भी पकड़ो जी, ऐसा नहीं है कि केयर टेकर हिला है तो ही हिलता है। हाँ। आप देखने के लिए आए, आप भी ट्राई करोगे तो आपसे भी हिलेगा। क्या बात है, मैं आपको फ्रेंडली अभी ये दिखा देता हूँ। हाँ। कि ये मीनार कैसे हिलता है, पब्लिक को भी और आपको भी। अच्छा, करो। मीनार तो हिलेगा ही, लेकिन इसमें जितने भी लोग होंगे वो साथ में हिलेंगे। अपने मीनार पे जो फ्लोर पे जो बैठा हुआ है वो तो हिलेगा ही, लेकिन ये गजाई भी दूसरी है, जो सामने वाला मीनार है। हाँ। अगर वहाँ पे जाके कोई बैठता है तो मैं यहाँ से हिलाऊंगा तो सामने ऑटोमेटिकली हिलेगा। करते हैं फिर, चलो देखते हैं। अब मैं हो गया तैयार, आ जाओ जी। ये पकड़ा इन्होंने इसको जी, आप मैं हिलाने जा रहा हूँ। ये तो हलन आ गया। आप ये देखो, ये स्विच लगा हुआ ना बल्ब पे, हिल रहा है जैसे अर्थक्वेक में हिलता है, बिल्कुल वैसे ही हिल रहा है। और मेरे पांव कांपने लगे हैं। आप हिले बैठे हुए? हाँ, जो फिर और बैठा हुआ ना। ओह माय गॉड, वाकई में पूरा देखिए जान लगी हुई हिलाने में। ना कुछ भी नहीं है, तो आपने पकड़ के हिलाया और बस अब रहा हूँ जैसे पकड़ना है। हाँ। उसको ताकत से इधर अपनी तो अपनी ओर खींचना है जी, फिर वही ताकत से उसको वापिस देना है। हाँ। तो जैसे किसी चीज को हिलाया जाता है जैसे वैसे वैसे हिलता है नॉर्मली। मैं ट्राई करूं? जी जी, कर सकता हूं। आप पकड़िए जरा मेरा कैमरा एक बार। ये मैंने पकड़ा यहाँ पे, और इसको यहाँ से बाहर से पकड़ना है, ठीक है जी? मैंने ये पकड़ा, अब मैं हिलाऊं इसको, एक बार आगे एक बार पीछे जी। मैं करने वाला हूँ, देखिये ये मैंने, मोहसिन भाई वहाँ खड़े हो गए, मैं यहाँ पे हूँ, और ये मैंने इसको पकड़ा ऐसे, और ये ताकत से खींचो और जोर से धकेलो, ताकत से खींचो और जोर से लगाओ, दोनों काम करने हैं जी। आप खींच नहीं रहे? मैं खींच नहीं रहा हूँ। मेरी ग्रिप नहीं बन रही है, जा रहा है आपको ये मानना पड़ेगा। फिर एक पैर बाहर जाना तो लेफ्ट वाला पैर उधर रख दो, उधर ये पैर उधर रख दो बस। अच्छा, अभी लाओ अपने कैसे किसी आदमी को झंझोड़ते हैं। हाँ, ऐसे गुस्से में आकर झंझोड़ दो। एक बार आगे थोड़ा बहुत हो रहा है मोमेंट, आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, मुझे पैर में वाइब्रेट होता है। आपको वहाँ पे हो रहा है? आपको नहीं दिखेगा, जो हिला रहा उसको पता नहीं चलता, एक और अटेम्प्ट मैं कर रहा हूँ जी जी। ओके, ताकत इकट्ठी करता हूँ फिर से, थकाने वाला काम है जी जी। तो मैंने एक बार कुछ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मैं सामने वो मीनार है ना, वो पूरा ऐसा आपको दिखेगा, ये जो है ना यहाँ हिल रहा है, वो हिलते हुए दिखता है आपको, दिखा ना कैमरे में, यहाँ से दिखा। मैं काम करता हूँ, मैं इधर आता हूँ, इधर से कैमरा बाहर निकाल देते हैं, दोनों तरफ का देख लेंगे। आप आगे जाओ, आप करो और गिराओ जरा, उधर का भी रिकॉर्ड होगा इधर का भी होगा। चलिए। अच्छा सर। हाँ, ये लीजिए मोहसिन भाई अभी हिला रहे हैं इसको जी। मैं हिला रहा हूँ दूसरी बार, देखो ये मीनार हिल रही है, अब दूसरी को चेक करते हैं। वो क्यों हिल रही है यार? उसको हिलने की क्या जरूरत थी? यही तो टेक्निक है ना, शेक कर रही है पूरी मीनार इस वक्त। अब मेरी बोलती बंद हो गई है, अब मैं क्या बोलूं? अब जो बोलना है वो पब्लिक को बताइए। इस एक्सपीरियंस को अब्जॉर्ब करने में, पहचाने में मेरे को लगे 1.5-2 मिनट। मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ आपसे, क्या ना बोलूँ। कुछ पूछते हैं जरा, मेरे साथ कोई है? भविष्य बताना जरा, क्या क्या लग रहा है आपको इस एक्सपीरियंस के बाद? एक्चुअली मैंने भी सुना था, लेकिन आज मैंने ये चीज़ महसूस की कि वाकई में लाइक आप ऊपर आते हो जब हिलाते हैं तो ये हिलता है पूरा, ऐसा लगता है लाइक अर्थक्वेक होता है ना, धरतीकंप, वो आपको फील होता है लिटरली। आप पहले तो डर जाते हो कि ये गिरेगा तो नहीं ना, तो वाकई में ये हिलता है, इट्स रियल। अब आप समझ रहे हो। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था कैमरा पकड़ के, और जब इन्होंने हिलाना शुरू किया इस पूरे मीनार को, ऑफ़ कोर्स मीनार बड़ी है, भारी है,
जान लगनी चाहिए, और इसके लिए आपको सबको इतना ताकतवर होना पड़ेगा जितने ये है जो खड़े हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं तो उनके आगे सिंगल हड्डी लगने लग गया हूँ, जबकि मैं मोटा मानता हूँ खुद को। तो मुझसे थोड़ी बहुत हिली, जो लोग बैठे थे उनको महसूस हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ बैठा आ करके और मोहसिन भाई ने दोबारा फिर से हिलाई है मीनार, तो मैं सही मायने में इस बात पे यकीन करने के लिए मजबूर हूँ कि भाई ये जो मीनारा वाली मस्जिद है और इसमें जो मीनार हैं ये शेक करते हैं। आप अगर इसे एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो आपको आना होगा, देखना होगा, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। जगह है दिलवाड़ा और ये जगह ऊना से है 5 किलोमीटर और दीव से है 10 किलोमीटर पहले। तो ऊना और दीव के बीच में भावनगर वाली जो रोड है वहाँ पर ये टाउन या कस्बा आता है। गूगल मैप पे आप अगर डालेंगे ना झूलता मीनार तो वह आपको यहीं पे लेकर के आएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, अभी यहाँ पहुँचा, पानी पीता हूँ जा कर के, प्यास लगी है। सच में स्पीचलेस ही सही होना कहते हैं शायद। मैं सीरियस होकर बात कर रहा हूँ पहली बार। वो हमारी बाइक खड़ी है, इधर से एंट्री गेट है और ये है जगह आप दिलवाड़ा शहर, और वो सड़क है जिसको होते हुए आप यहाँ पहुँच जाएंगे, बिल्कुल सामने नज़र आ रही है आपको। बहुत अच्छा, 2015 में जो रिनोवेशन किया ना जी, तब ये सीमेंट और प्लास्टर किया हुआ, फिर उसके बाद में कलर लगाया। ये जो पुराना आपको दिख रहा है देखो, ये पत्थर से ही बना हुआ है पूरा, चूना जो पत्थर आता है ना उसका, पूरी मस्जिद उसी की बनी हुई है जी। डे 203 चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का आज यहाँ आकर के पार्ट 1 कंप्लीट कर रहा हूँ। इसका दूसरा हिस्सा आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा, जिसमें मेरी साइकिलिंग की जर्नी चलेगी।